लगातार दोस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में आज तीसरे फेस को भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये बस्ती कई सालों से यहाँ पे बसी हुई है, जिसको सरकार और एलडीए ने अवैध घोषित किया है। आप साथ तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से लोग अपने आशियानों को खुद स्वयं उजाड़ रहे हैं, अपने दरवाज़ों को तोड़ रहे हैं, यहाँ से लोग अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इनका आरोप है कि हम 50 साल से ज़्यादा से यहाँ निवास कर रहे हैं और अब सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया, जिसके चलते हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। सरकार हमको आवाज़ दे रही, लेकिन उसके एवज में भी हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। आपको और आगे भी चल के दिखाएँ, कैमरा पर्सन से दिखाएँ किस तरीके से लोग लगातार अपने घर को खाली कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं और अपने मकानों को खुद ही स्वयं ध्वस्त कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई को लगाकर मकान बनाया था, एक आशियाना बनाया था। कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको दिखाएं कि किस तरीके से मशीनें बिल्डिंग को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं। जल्द से जल्द इस जगह को खाली कराया जाए, जिसको अवैध घोषित किया गया। आपको बता दें लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं अगर बात करें तो अब तक 300 से अधिक अवैध मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं, तो वहीं कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स और मकान दुकान थी वो भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। लगभग इनकी ध्वस्तीकरण के लिए 12 JCB और पोकलैंड मशीनों को लगाया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें बादशाह नगर के रेलवे स्टेशन कुकरैल बंदे का रास्ता भी बंद किया गया है। कुकरैल बंदे की ओर आने वाले रास्ते को बंद किया और साथ ही साथ RAF, PA, PAC और पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई कार्य में बाधा ना आए। वहीं अगर बात करें तो कई परिवारों ने इसका विरोध भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने उनको मान मनोबल कराकर शांतिपूर्ण तरीके से उनको यहां से हटा दिया गया है। लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। वहीं अगर माने तो आला अधिकारियों का कहना है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी और लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, जो खुद ही खड़े होकर लोगों का सामान यहाँ पे लदवा रहे हैं। भारी पुलिस बल इनके साथ मौजूद है, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण का पुलिस बल हो या PAC बल हो, लगातार स्वयं खड़े होकर यहाँ पे यहाँ के लोगों का सामान डालों में लदवा रहे हैं और यहाँ से उनको दिए गए प्रधानमंत्री आवास में इनको शिफ्ट किया जा रहा है। खुद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इस काम को खड़े होकर अंजाम दिला रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी मौजूद हैं, आम जनमानस से बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जाने के लिए। और आप देख सकते हैं इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं लखनऊ नगर निगम, और यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, उनका सामान लदवाया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल्द काम को अंजाम देने के लगे हैं कि ताकि अवैध बिल्डिंगें जो ध्वस्त की जा रही हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, जिसको लेकर यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी में यहाँ पर जल्द से जल्द मकानों को खाली करवा रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा JCBs और एक दर्जन पुकलैंडें यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी पुलिस बल को बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के माहौल को बनाए रखना है ताकि किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्य हो। क्योंकि कुछ देखा गया था, कुछ परिवारों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उनको समझा बुझा कर यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, VC हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं और सारा सामान लदवा रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ NTV स्पष्ट की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।